वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। मैंने ये मारुति जिप्सी सॉफ्ट टॉप उसका ये हुड मंगवाया है। 2500 उसकी प्राइस है, 2500 रुपीज़। ये मैंने एक दिल्ली में एक ट्रेडर है उससे मंगवाया है। मैंने उसको मतलब व्हाट्सएप किया था, व्हाट्सएप नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहीं से मैंने पेमेंट करा 2500 रुपये का, और विद ट्रांसपोर्टेशन का उसने 400 रुपीज़ लिया। तो ऐसे 2900 रुपये मैंने उसको पेड करा, तो इसने भेजा है मुझे ये। अभी ये सॉफ्टटॉप जो है, एक्चुअली मेरा जो जिप्सी है वो मिलिट्री ग्रीन है, आर्मी ग्रीन। तो उसके साथ मैंने ब्लैक कलर का सिलेक्ट किया है, तो मैंने ब्लैक को हुड मंगवाया है। ये कैनवास वाला हुड नहीं है, ये मैंने जो जो ग्रे कलर का जैसा आता है ना, वैसा ही ये पीवीसी मटेरियल का ब्लैक कलर में है। ठीक है जी, मैं अभी आपको ये खोल के दिखा देता हूँ। अभी दोस्तों ऐसा है ना कि इसको मैंने देखा था अमेज़ोन के ऊपर में, तो अमेज़ोन के ऊपर में फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी है वो सब मतलब वो जो पीवीसी वाला ही है, वहाँ पे लिखा है कि बोथ साइड लेदर कोटेड वगैरह एक्सेट्रा डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है। बट देर इज़ ए नो नीड टू गेटिंग एनी कन्फ्यूजन, वो वही हुड है, कोई लेदर कोटेड वगैरह नहीं है, वो वाला ही है। मतलब जो अपना ग्रे कलर का जैसा आता है ना, वैसा समवॉट सिमिलर वही है। ये देखिए मैंने अभी निकाला है ना, तो वहीं पे मतलब प्राइस का बहुत बड़ा इश्यू रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा प्राइस थी इसलिए मैं वहीं से फिर ऑर्डर नहीं किया है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हो। एक्चुअली कोई एफिलिएट लिंक नहीं है, ये ऐसे ही मतलब मैं आपको जस्ट हेल्प करने के लिए वो लिंक वगैरह डाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं वो एफिलिएट लिंक है और वहीं से मुझे कुछ पेमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों वहाँ पे आप जाके वो लिंक से भी अमेज़न से परचेस कर सकते हो। amazon.com.in का मैंने लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और दूसरा ये जो बंदे से मैंने मंगवाया है उसका व्हाट्सएप नंबर भी डाला हुआ है। ठीक है, तो उससे 2900 रुपये मैंने पेड किया हुआ है। ये क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो देखिए, ये अभी है ना, मैंने मतलब पूरा ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, स्टिचेस वगैरह जो भी है वो यहाँ पे जो मतलब रेनकोट के ऊपर में जिस तरह स्टिचेस होती है ना, उस तरह से है, और बैक साइड पे उसको लॉक किया गया है, तो कम्प्लीटली वेदर प्रूफिंग मिल जाता है। मेन तो उसमें क्या है कि देखिए, ये इसमें रेनी मौसम में उसमें पानी नहीं जाना चाहिए, वो तो मेन प्रोटेक्शन तो है ही है, तो कहीं से भी उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। ये साइड वाला जो विंडो है, साइड वाला विंडो के अंदर में कोई जीप नहीं है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, ओरिजिनल हुड के अंदर में जीप साइड वाली विंडो में भी होती है, जैसे पीछे वाले विंडो में होती है ना, तो यहाँ पे कोई जीपर है नहीं, सिर्फ बैक साइड वाला जो विंडो है उसमें दो जीपर प्रोवाइड किया गया है। ये साइड वाला विंडो जो है, मैंने अभी ओपन करके मैं दिखा रहा हूँ, वो साइड वाला विंडो है, और साइड वाला विंडो के ऊपर में भी मतलब जो प्लास्टिक का जो ट्रांसपेरेंट सीट जो लगी है वो और हुड के बीच में, वहाँ पे कोई स्टिचेस नहीं है, है ना, इम्बोजिंग करके उसको जो नहीं, वो पीवीसी का जो मेल्टिंग करके ज्वाइंट होता है उस तरीके का ज्वाइंट है, हाँ। और ये जो ट्रांसपेरेंट सीट जो है वो भी काफ़ी थिक है, हैवी है, तो डजन मैटर के मतलब एकदम लो क्वालिटी का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वालिटी वाइज इट्स वेरी नाइस, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही मुझे मिला है, तो इसके लिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। तो वैसे तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि देर इज़ ए नो एनी मतलब कुछ मुझे उससे पेमेंट मिलने वाली नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर हेल्प और नॉलेज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आपके रिस्क के ऊपर मंगवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं रेकमेंड कर रहा हूँ तो आपको मंगवाना ही है, आपको अगर लगे, अगर बात करके देखिएगा उससे, जो लोकल ट्रेडर है उससे, दिल्ली की पार्टी है, तो उससे बात करके आप मंगवा सकते हो। अभी इस जिप्सी में लगेगा कैसा, तो ऑलरेडी मेरा एक चैनल है इजी इंजन जिप्सी, है ना, तो उसके ऊपर ये वीडियो अपलोड है ही कि फिटिंग कैसे है, लेकिन फिर भी यहाँ ओवरऑल मोटा मोटी बता देता हूँ। यहाँ पे एक पीवीसी स्ट्रिप है, ऊपर से स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है, तो पीवीसी स्ट्रिप मुझे यहाँ से रिमूव करनी है, और ये आगे वाला फ्लैप जो है वहीं पे मतलब स्क्रूइंग, या जनरली तो उसमें प्रेस बटन है, लेकिन मैं प्रेस बटन यूज़ नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट स्क्रू कर देता हूँ। ये जो प्रेस बटन है उसके बीच में से सेंटर से एक स्क्रू डाल दूंगा, जो पॉइंटेड स्क्रू आते हैं ना पत्रे में चढ़ाने वाले, टीन को लॉक करने वाले स्क्रू में यूज़ करता हूँ ऑटोमोबाइल के लिए, तो वही स्क्रू मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो क्या कॉस्टली भी नहीं होते हैं, वो मेरे ख्याल से ₹1 का एक आता है। ये जो साइड वाले जो स्ट्रिप है ना, वो यहाँ पे फंसेगी इसमें, ये वाली जो है ना, यहाँ पे एलन की बोल्ट लगाए हुए है, जो स्क्रू भी रहते हैं, जो भी है व्हाटएवर, तो यहाँ पे इसमें ये और वो जो रिब है उसको खींच के यहाँ पे बिठानी होती है। और हुड का जो फिटिंग है ना, कम्प्लीटली आपको देखना है तो मेरी चैनल जो इजी इंजन जिप्सी है वहीं पे मिलेगा ही, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, तो वहीं से आप कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि ये गाड़ी में भी मैं फिटिंग करूँगा, लेकिन 15 अगस्त के दिन जो मतलब मुझे गाड़ी परेड में जाने वाली है, तो अभी हुड में फिट नहीं करूँगा, 15 अगस्त के लिए उसको मतलब विदाउट हुड ही जाएगी। तो वो वीडियो भी जो 15 अगस्त का पिछले वाला वीडियो है, वो भी चैनल के ऊपर अपलोड है, मतलब इजी इंजन जिप्सी चैनल पर अपलोड है, तो वहीं से आप जाके देख सकते हो। और ये जो मैं ग्रिप बता रहा हूँ, वो ग्रिप यहाँ पे भी समवॉट सिमिलर लेफ्ट राइट दोनों तरफ है, और इन साइड में तो जो वेलक्रो है
है ना, इसको पट्टी के साथ मोड़ के वेलक्रो लगा देना है, बता देता हूँ वेलक्रो, तीन वेलक्रो रहता है ना, तो ये यहाँ पे लगा देनी है, मतलब फ्रंट साइड है फिटिंग और दोनों साइड का जो फिटिंग करना है ड्राइवर केबिन वाले में, तो वो तो वेलक्रो से जस्ट रैप कर देना है, नथिंग एल्स, कोई स्क्रूइंग वगैरह है नहीं। हाँ, हैंडल के ऊपर स्क्रू लगाया है, लगाना पड़ेगा, तो वो भी मैं टीम वाले स्क्रू ही यूज़ कर लेता हूँ, तो आप हैंडल की पोजीशन कहीं पे भी लगा सकते हो। ये अभी देखिए मैंने ना ओवरऑल क्लियर करके दिया, आई होप सो दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद।